यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी की तर्ज पर सर्वे कराने का ऐलान किया है। इस बीच सियासी बयानबाजी के बीच यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। मंगलवार को जब सर्वे टीम कई जिलों में पहुंची तो कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होते पाए गए, उनमें और भी कई खामियां पाई गई। अगले एक महीने तक चलने वाले सर्वे में 12 बिंदुओं का फॉर्मेट बनाया गया है जिससे जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार के निर्देश के मुताबिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। बिजनौर, बुलंदशहर और अलीगढ़ समेत प्रदेश के 75 जिलों में सर्वे करवाया जा रहा है। यूपी में 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर 25 अक्टूबर तक सरकार को सौंपी जानी है। सर्वे टीम ने मंगलवार को मदरसों में जाकर जानकारी इकट्ठा की। सरकार ने इस बारे में जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके हिसाब से SDM, BSA और DMO सर्वे टीम का हिस्सा होंगे। यूपी सरकार की ओर से जारी फॉर्मेट में सर्वे में 12 पॉइंट्स तय किए गए हैं, जिसमें मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम, मदरसे की स्थापना का साल, मदरसा किस इमारत में चल रहा है, मदरसे में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी, छात्र छात्राओं की कुल संख्या की जानकारी, मदरसे में पढ़ने वाले शिक्षकों की जानकारी, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्रा किसी दूसरे स्कूल में भी पढ़ते हैं, क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसा जुड़ा हुआ है। यूपी के बिजनौर में अल्पसंख्यक विभाग के अफसरों ने मदरसे का सर्वे किया तो पाया कि मदरसों को मान्यता तो थी लेकिन उनको रिन्यू नहीं कराया गया। मदरसों में उर्दू और फारसी की तालीम तो दी जा रही थी लेकिन हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो रही थी। हम अभी सुबह से तीसरे मदरसे में यहाँ पर आए हैं और जो हमने सर्वे में देखा वहाँ पर जो गैर मान्यता वाले मदरसे हैं वो मोस्टली दीनी तालीम दे रहे हैं। ज़्यादातर मदरसे ऐसे ही हैं। कुछ मदरसों ने हालांकि बताया कि उनके यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हिंदी अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। और कई मदरसों ने ये भी बताया कि उनके बच्चे दीनी तालीम उनके मदरसे में ले रहे हैं और दुनियावी तालीम के लिए दूसरे स्कूलों में एडमिशन भी है उनका। बुलंदशहर में भी मदरसों के सर्वे में खुलासा हुआ कि मदरसा बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा है। मान्यता के लोग लेकर के बताया कि इनका पंजीकरण नहीं है, पंजीकरण के लिए इन्होंने आवेदन किया है जो अभी भी लंबित है। सर, वर्षों से संचालित हो रहा है ये 1992 से बताया है कि इन्होंने इनका मदरसा जो है संचालित। तो किस तरह की कार्रवाई सर इसमें प्रचलित की जाएगी, जैसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसा सामने आया? इसमें जो भी शासन स्तर से कार्यवाही उपेक्षित होगी वो कराया जाएगा। अभी तो हम लोगों को फिलहाल 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट जिला प्रशासन को, जो जिले की कमेटी है, उसको सबमिट करना है। अलीगढ़ में अधिकारियों ने जिन मदरसों का सर्वे किया उनमें दो मदरसे ऐसे मिले जिनका ना तो कोई नाम रखा गया था ना ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। दोनों मदरसे मस्जिद की ओर से संचालित हो रहे थे जबकि एक मदरसे में पांचवी तक की मान्यता थी लेकिन बड़े बच्चे भी पढ़ रहे थे। ये 1990 से संचालित है और इन्होंने हमें 2012 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलीगढ़ द्वारा दी गई मान्यता के पेपर दिखाया गया। 1-5 बताया गया। कौन सी क्लास तक संचालित होता है? बच्चे तो बड़े पढ़ रहे हैं, आपने भी देखा है। पैसे का इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों से फीस ली जाती है 10 रुपये और बाकी चैरिटी के माध्यम से पैसे कलेक्ट करते हैं, हालांकि कोई इसका डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिखाया। उधर यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने राज्य में मदरसों के सर्वे का ऐलान किया है, यानी मदरसों का सर्वे करवाने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा। बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो। सीएम धामी के सर्वे कराने के बयान के बाद उत्तराखंड में भी यूपी की तरह राजनीतिक माहौल गरमाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।